पेरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम एक न्यू वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ सबसे पहले ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं गेट देने के लिए। सिर्फ गेट ही नहीं, आप कोई भी PSUs दे दीजिए या फिर आपके अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं जिसमें डेटाबेस स्पेसिफिकली आपके फिफ्थ सेमेस्टर में रहता है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि लाइक नॉट ओनली PSUs और गेट, अगर आप IT ऑफिसर की एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंकिंग के लिए, अगर आप DRDO की एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है तो उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है। नाउ सबसे पहले स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला पार्ट रहेगा आपका सेमेस्टर वाला पार्ट। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका आपको बेसिक जानना ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक का। ER मॉडल हो गया आपके, कम से कम आप मान के चलिए कि 5 मार्क्स का आएगा जिसमें आपको हो सकता है कोई एक टॉपिक दे देगा उसमें आपको पूरा का पूरा एक ER मॉडल बनाना पड़ेगा, दैट विल कम अंडर 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटाबेस में जिसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स लिख सको। नाउ सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपके कॉम्पिटिटिव्स से रिलेटेड। कॉम्पिटिटिव्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऐसे वाले लाइक गेट, PSUs, इसमें डेटाबेस के हिसाब से आपके कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली में अगर आपको बोल रहा है नॉर्मलाइज करने के लिए तो आप उसको किस लेवल तक नॉर्मलाइज कर सकते हो, कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हो, वो सब चीज़ें आएगी आपकी कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट्स अगर आप पढ़ रहे हो। रिलेशनल एल्जेब्राज आएंगे इसमें, एकदम मतलब बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चीज़ें आएंगी, ठीक है। आपको इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे आंसर्स नहीं लिखने, वो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखने। थर्ड पार्ट जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और अगर आपको कोई भी इंटरव्यू निकालना है एंड इफ़ यू से कि इफ़ यू आर गुड एट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो कहीं ना कहीं एक वेटेज आपको मिल सकता है इस चीज़ का, बिकॉज एक DBA करके दैट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक पोस्ट होती है कंपनीज़ में, तो उसके लिए उन्हें डेटाबेस वाले ही ऐसे चाहिए रहते बंदे जिनकी क्वेरीज बहुत अच्छी हों। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इंटरव्यूअर होएगा वो आपसे पूछेगा क्वेरीज कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज, अगर सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट करना है, आपको जो भी करना है तो उसमें कैसी क्वेरीज आप यूज़ करोगे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें आप ये कह सकते हो कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ सकते हैं। नाउ अगर आप कॉम्पिटिटिव गेट की बात करोगे तो कुछ ईयर्स के हिसाब से मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 9 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, और इतना ही आपका एक एवरेज चलता रहता है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एंड डेटाबेस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, अगर आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया है तो आप आराम से इसके एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हो। सिर्फ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाना है। इसके बाद मैं जो आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँगी एक बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म में, ऑप्टिमल वे में, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्वेरीज पर, क्योंकि वो आना आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि डिफरेंट जॉइन कर, अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है, अगर आपको कोई की लगानी है तो उसके लिए किस तरह का क्वेरी आप रन कराओगे। तो ये मेरा काम रहेगा कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि कौन सी क्वेरीज़ यूज़ होती है, और बहुत सारी क्वेरीज़ मैं आपको बताऊँगी भी। ओके तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या है इसका और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि पूरा का पूरा सिलेबस है तो आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना है, यू नीड टू हैव कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको उन्हें ही पढ़ना है। अगर आप बार बार आप अपने पेपर्स भी देखोगे प्रीवियस ईयर के तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा कि नॉर्मल आपके बेसिक डेफिनेशंस क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। जब आपके पास पहले एक फाइल सिस्टम था तो फिर आपको RDBMS, DBMS ये सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होएगा
तो हम इस चीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे ना। सेकेंडली होएगा आपका ER मॉडल, दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर में आएगा आपका ER डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, एक ER मॉडल को आप डेटाबेस टेबल में कैसे पुट कैसे उसे कन्वर्ट करोगे, जनरलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, एट्सेट्रा। नाउ इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे आप एक नॉन टेक्निकल इंसान हो, आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में चले गए, तो जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी तो वो लोग डायरेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर बना के नहीं दे देंगे। व्हाट दे विल डू, वो लोग आपको पहले एक रफ स्केच बताएंगे कि हाँ आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, सिस्टम डिज़ाइनिंग कैसी होएगी, वो सबको इसमें पढ़ा जाता है। तो वो जो रफ डायग्राम होता है ना उसे ही हम ER डायग्राम कहा जाता है। एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में आपको बनाना रहता है और अपने क्लाइंट को सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट इज RDBM, इज दैट रिलेशनल मॉडल्स, यू कैन से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपके पास पहले एक डेटाबेस है, एक टेबल बना हुआ है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे टेबल हैं तो आप वो सबको इंटरकनेक्ट कैसे करोगे एक दूसरे से। हर टेबल है तो अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में एक रिलेशन तो आएगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेटाबेस है किसी कॉलेज का है, तो कॉलेज के अंदर में बहुत सारे टेबल्स बनेंगे, अलग अलग डेटाबेस टेबल्स बनेंगे, तो वो सबके बीच में कोई ना कोई इंटरकनेक्शन भी होगा। तो वो सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो आपके RDBMS में करते हैं। नाउ फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ कीज़, और आप कह सकते हो कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक टेबल है आपके पास में, उस टेबल में एक यूनिकनेस रहेगी जिसे आप प्राइमरी की बोलोगे। फिर अगर दो टेबल हैं, वो दो टेबल को आपको अगर ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है, तो आप उसे फॉरेन की से कनेक्ट करोगे। एक किसी कॉलम को आप कैंडिडेट की डिफाइन करोगे। तो व्हाट ऑल दीज आर नोन एज कीज, जो कि आपको एक कंस्ट्रेंट लगा देता है, एक रूल में आपको बांध देता है कि आप अब आपका जो टेबल है वो इसी तरह से वर्क करेगा। आपको वो डिफरेंशिएट कर देता है दो कॉलम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल दे से कि प्राइमरी की हमेशा आपकी यूनिक होनी चाहिए, कि उसके अंदर में जितने भी आप रोज़ डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी की किसे बनाया जाता है, हमेशा एक स्टूडेंट है तो उसके रोल नंबर को, क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, हर स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर रहेगा, इसलिए उसे ही प्राइमरी की बनाया जाए। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो सबके जो कंसेप्ट हैं वो कीज़ में आया जाता है। नाउ ये आपके गेट और सेमेस्टर्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर्स में आपको पूछ लेगा ओके कीज़ के बारे में आप लिख के बता दीजिए, तो 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जितनी भी कीज़ है वो सबके बारे में आपको लिखना रहेगा। गेट में व्हाट दे कैन डू कि वो बता देंगे, अगर आपको एक टेबल दे दिया है तो इसमें प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए, या अगर आप दो टेबल को आपको ज्वाइन करना है एक फॉरेन की से तो उसकी क्वेरी क्या होगी, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगर आप ऊपर प्रीवियस टॉपिक्स भी देखेंगे तो जैसे डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, जनरलाइजेशन एग्रीगेशन इनके बीच का क्या डिफरेंस है, ये भी आपके सेमेस्टर्स में पूछा जाता है। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको क्वेरीज पूछी नहीं जाती, आपको चार ऑप्शंस दे देगा गेट में, एंड व्हाट दे विल डू आपको बोलेगा कि बताइए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सी क्वेरी आप रन कराओगे, अगर आपको इंसर्ट करना है या आपको डिलीट करना है, कोई भी ऑप्शन वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि क्वेरीज़ को लिखते कैसे हैं। अगर आपके पास एक टेबल है तो उसमें कौन सी क्वेरी आप अप्लाई करोगे फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से। तो इसमें सिर्फ आपके इंसर्ट डिलीट अपडेट सर्च के अलावा हैविंग क्लॉज हो गया, ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, देन बहुत सारे आपके PL SQL हो गए। तो ये सब के भी क्वेरीज़ मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको ये सब समझा दूँ कि कौन सी क्वेरीज़ होती है, कैसे रन करती है, एंड एवरीथिंग। आई विल मेक श्योर कि आपको क्वेरीज़ वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है अगर दो टेबल हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो एक दूसरे पे कैसे किस तरह से डिपेंडेंट है, ये सबको हम पढ़ते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में। तो जब आपका बेसिक ये आपका क्लियर रहता है ना, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आता है नॉर्मलाइजेशन का, कि अगर इतना बड़ा टेबल है तो उसे आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे
पुट ऑन करोगे कि यू वॉन्ट गोइंग टू गो विथ इतना बड़ा डेटा वेटा है और सबको अपना ढूंढने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं. वॉट वी विल डू, हम उसे छोटे छोटे टेबल्स में फॉर्म करते हैं. तो मेकिंग एक बड़े टेबल को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टेबल्स में कन्वर्ट करने की ही बेसिक डेफिनेशन हो सकती है आपकी नॉर्मलाइजेशन की. नाउ नॉर्मलाइजेशन एज इन, तो आपका 1NF, 2, 3, BCNF, 4, 5 भी होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको पढ़ना है तो आप 1NF से BCNF तक ही हम पढ़ते हैं. 4 और 5NF को नहीं पढ़ते, उसकी जगह में हम लॉसलेस पढ़ते हैं. और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं. आई विल लेट यू नो जितने भी हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं उस चीज़ में. नाउ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ समझने की ये है कि अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको बताए, तो ये सब टॉपिक आपके सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, आपका डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होगा, उस पर मैटर करता है. लेकिन आपका ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी कंट्रोल ये है कि सिस्टम में जो आपने डिज़ाइन किया है डेटाबेस, उसके अंदर में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे. तो ये आपका ऑपरेशनल साइड का पार्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है और डेटाबेस के लिए भी ये कॉमन टॉपिक्स हो जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड डी इज फॉर ड्यूरेबिलिटी. तो ये चार के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. सेमेस्टर एग्जाम्स में 100% आपसे मोस्टली इन केसेस की ये क्वेश्चन एक आता ही आता है एसिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए. गेट में भी हो सकता है एक हाथ बार कभी दे दे. फॉर एग्जाम्पल या गेट और सेमेस्टर्स के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ही, वो आएंगे ही आएगा क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये एक्स्ट्रा के टॉपिक्स हैं, उसमें आएगा आपका जॉइंट्स. जॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट कि इनर जॉइंट क्या होता है, आउटर, सेल्फ, नेचुरल. नाउ ये जॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी पूछा जाता ही जाता है गेट में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडेक्सिंग. अब इतना बड़ा आपके आपके डेटाबेस सर्वर में समझिए बहुत सारे टेबल्स हैं, तो अगर आपको सर्चिंग करनी है, सर्चिंग और सॉर्टिंग, दीज आर द टू मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. तो अगर आपको सर्चिंग कितनी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, कितनी जल्दी आप रिट्रीव कर सकते हो किसी चीज़ को, तो वो आपका इंडेक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हैं. तो इंडेक्सिंग आपकी तीन तरह के थे. बुक में हम जैसे इंडेक्सिंग करते हैं सेम उसी टाइप की रहती है, थोड़ा मोड़ा चेंज रहता है. यू कैन हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्लस्टर्ड. नाउ यहाँ पे दो टॉपिक लिखे हुए हैं, दैट इज बी एंड बी प्लस ट्री. तो व्हाट दीज आर, ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स कितने होने चाहिए, नोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा मोड़ा, ट्री के भी बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होगा तो यू विल गेट टू नो अबाउट दीज टू थिंग वेरी इजीली, एल्स आई विल गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक एक टॉपिक का कंसेप्चुअली वो चीज़ आपको समझ में आ जाए. सेकेंडली जितनी भी क्वेरीज हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको क्वेरीज बता सकूँ जितनी ज़्यादा हो सके. अलग अलग टेबल से आपको अगर हैविंग, वेयर क्लॉज, इस टाइप के ग्रुप बाय, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके इंटरव्यूज़ के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है. इनफैक्ट गेट में भी जब आपके पास चार ऑप्शंस हैं जिसमें हैविंग, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज सब डाल दे, तो फिर पीपल गेट कन्फ्यूज कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे. तो आई विल मेक श्योर कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए. कई सारे मैं आपको क्वेरीज बताऊँगी जो कि ओरेकल में भी यूज़ की जाती है, तो कहीं ना कहीं फर्दर वो भी आपके यूज़फुल होगा. सो थैंक यू.